धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिछले कई दिनों से अलग अलग स्थानों पर गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गौशाला बाजार में स्थित श्री गणेश मित्र मंडल द्वारा आयोजित 10वें गणेश उत्सव समारोह में भक्तों द्वारा प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक गणपति महाराज का पूजन किया जा रहा है। प्रतिदिन शहर के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु गणेश उत्सव में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीते दिन पंडित रविशंकर ने विधिवत पूजन के साथ गणपति महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि शिव और पार्वती के पुत्र भगवान गणेश तीनों लोकों में अग्र पूजनीय हैं। उन्होंने कहा कि माता पार्वती ने बहुत ही स्नेह पूर्वक गणेश जी में प्राणों व आत्मा का संचार किया था। भगवान शिव जी के पुनर्जीवित करने के बाद ही गणेश जी गजानन श्री लंबोदर कहलाए, तभी से उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। कार्यक्रम का संयोजक कुलदीप शर्मा गोल्डी, हरीश कपूर, मनोज कुमार, जीत सुखीजा, दमन कुमार, संजय बटला, राकेश कपूर सहित समिति के सदस्यों ने गणपति जी का अभिषेक व पूजन किया तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी दौरान महिला मंडल द्वारा सत्संग में प्रभु की महिमा का गुणगान किया गया तथा मधुर झांकियां भी प्रस्तुत की गई व आरती उपरांत प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर रविंदर सेठी, कुलविंदर सलूजा, शुभम अरोड़ा, जितेंद्र कौशिक सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। गणेश उत्सव के दौरान गणपति महाराज के भक्तों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। जय श्री गणेश। ये हमारा गणेश मित्र मंडल की तरफ से 10वां गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, तो इसमें हम श्री गणेश जी को 31 अगस्त को 22 को लेके आए थे, तो ये आज तक लगातार चल रहा है। सुबह और शाम लगातार आरती चलती है और भगवान का भजन संकीर्तन वगैरह होता है, और रोज शाम को भंडारा चलता है। कल को हमारा 9 सितंबर को विसर्जन है। कल की क्या तैयारियां कर रखी है? हाँ, कल की हम बैंड बाजे के साथ पूरे रंगों के साथ पहले मंत्रों उच्चारण के साथ गणेश जी को हम यहाँ से लेके जाएंगे, फिर आगे जो सुबह 9 बजे हवन है, 12 बजे प्रसाद है, उसके बाद 3:30-4 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें सब रंग खेलते हुए जाएंगे, गणेश का उत्सव मनाते जाएंगे, खुशियों का शुभारंभ है जी। जय गणेशा। गणेश उत्सव का कल जो दिन है वो विसर्जन का दिन है। गणेश जी सबको खुशियों का आशीर्वाद देते हुए जाएंगे, सबको आशीर्वाद दे जाएंगे, सभी घरों में सुख शांति हो, संपन्नता से रहें, और जो बीमारी कुरुक्षेत्र में आई थी इससे सब मुक्त हो। गणेश जी का वो दिन है जब गणेश जी अपने घर जाएंगे, तो कल विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसे पूरे शहर को निमंत्रण किया गया है। पूरा शहर के सभी नागरिक आगे प्रसाद ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये हमारे जय गणपते नमः। मैं खबरनामा न्यूज की तरफ से आप सबको गणपति देव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ये कहना चाहता हूं कल सुबह 9 बजे हमारे यहां हवन का प्रोग्राम होएगा और उसके बाद 12 बजे भंडारे का प्रोग्राम है। सारे कुरुक्षेत्र वासियों को हम आमंत्रित करते हैं कि हम यहां पर आएं और भंडारे का लाभ उठाएं, और यहां पर उसके बाद 3:30 बजे यहां से हमारी शोभा यात्रा निकलेगी विसर्जन के रूप में, और ये एक हिसाब की दूसरी होली होती है हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर, जो एक होली होती है मार्च के अंदर और एक होली होती है अगस्त में इस महीने के अंदर। आज सभी हम गणेश मित्र मंडल की तरफ से आप सभी को इसी प्रोग्राम में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। जय श्री कृष्ण। गणेश जी को पूरे रंगों साथ खेलते हुए धूम धड़ाके से बैंड बाजे साथ गणेश जी को कल विसर्जन करने के लिए गणेश मित्र मंडल जाएगा, उसमें सारा शहर हमारे साथ आमंत्रित है। जनता से है कि हमारा ज़्यादा से सहयोग करें इस प्रोग्राम को भव्य बनाने में, ताकि हम इसको अगली बार और भव्य रूप से समर्पित करें जनता। इस प्रोग्राम को पिछले 10 दिन से लगातार देख रहा हूँ, अच्छा प्रोग्राम होता है और झांकियाँ भी होती हैं और अच्छा मनोरंजन होता है बच्चों का, और यहाँ मतलब हमें डेली 10 दिन से डेली शाम को सारा दिन यहीं होता हूँ। हाँ, ये बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ गणेश बहुत अच्छा लगा। सात दिन से लगातार कभी कभी आता तो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उत्सव। ये बहुत ही मन से मनाते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। मित्र मंडल बहुत अच्छे तरीके से इसको सारा करते हैं। ये गणेश उत्सव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मन लगता है इसमें,
और हम चाहते नहीं कि ऐसे कभी ख़त्म हो और हमेशा ही हर साल ऐसे ही भगवान जी हम हमारे पास आते रहें और बहुत बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। हाँ जी, सातों दिन आए और हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती करी और बस भगवान जी से प्रार्थना है कि अगले साल भी ऐसी अच्छे से हम मनाए गणेश उत्सव। अपील करना चाहूँगी कि पक्का आए यहाँ पर, भगवान जी के आशीर्वाद लें और इन्जॉय करें इस टाइम को।